इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस तरीके के एक नॉर्मल गार्डन स्प्रेयर को अपनी कार के लिए एक बढ़िया फोम स्प्रेयर में बदल सकते हैं और वो भी बहुत ही कम खर्चे में। साथ ही साथ इस तरीके के दो गार्डन स्प्रेयर का गिव अवे भी करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हियर वी गो। गाइस, ये है एक 2 लीटर का नॉर्मल गार्डन स्प्रेयर जिसको मैंने 250 रुपए में अमेजोन से खरीदा है, और इसको खरीदने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने अपने गार्डन स्प्रेयर को नाम लिखकर थोड़ा सा पर्सनल टच दे दिया है। इसको फोम स्प्रेयर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक और चीज की जरूरत होगी, जो कि है इस तरीके का एक स्क्रॉच ब्राइट पैड। तो सबसे पहले हमें अपने गार्डन स्प्रेयर को ऊपर की तरफ से खोल लेना है, और अब जब खोल लेंगे इसको तो आपको इस तरीके से नीचे की तरफ इसके ढक्कन में एक पाइप लगा हुआ दिखेगा जिसको आप बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। इसको निकालने के बाद आपको इसमें 2 होल बनाने हैं। आप किसी भी सेफ्टी पिन से इसमें आसानी से होल बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो होल बनाए हैं उनको एक दूसरे से कुछ ही 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाया है। यहाँ पर जो टेप आप देख रहे हैं वो मैंने जो एक्स्ट्रा होल कर लिए थे इस स्ट्रॉ में उसको छुपाने के लिए लगाया है। तो आपको केवल 2 ही होल बनाने हैं इसमें, जिस तरीके से मैंने बनाए हैं। अब वापस से इस स्ट्रॉ को उसकी जगह पर लगा देते हैं, और अब बारी है इस स्प्रेयर के नोजल को मॉडिफाई करने की। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इस तरीके के एक स्क्रॉच ब्राइट पैड के छोटे टुकड़े की। तो इस तरीके से हम छोटा टुकड़ा काट लेते हैं, और जो इसका स्प्रेयर का नोजल है उसको एक प्लायर की मदद से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और जो हमने टुकड़ा काटा था इसको हम थोड़ा सा हिला डुला कर सॉफ्ट कर लेंगे। आप चाहे तो इस टुकड़े को एक प्लायर की मदद से इस तरीके से पीट कर भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर सकते हैं। अब इस स्क्रॉच ब्राइट के टुकड़े को जो नोजल के अंदर की कैविटी है उसमें हमें इस तरीके से डाल देना है, और इसका जो कैप है वापस से इसकी जगह पर लगा देना है। और यहाँ पर हमने जो नोजल है उसको भी कन्वर्ट कर लिया है और इसको वापस से फिक्स कर दिया है। अब बारी है इसमें शैम्पू और पानी मिलाने की। तो यहाँ पर जो मैं शैम्पू यूज करने वाला हूँ वो है ये वेवेक्स का 1 लीटर वाला ऑरेंज कार शैम्पू। इसको खरीदने के लिए लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्प्रेयर की बॉडी पर आपको वाटर लेवल की मार्किंग भी दिखेगी, जिससे आप चेक कर सकते हैं आपने बॉटल में कितना पानी भर लिया है। आप चाहे तो पानी को अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा भी रख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पानी भर लिया है, और इसमें 1.5 लीटर की मार्क तक हमने पानी भरा है। और अगर आप एक ही बार में पूरी कार को वॉश करना चाहते हैं तो आप इसको 2 लीटर तक भी भर सकते हैं। तो शैम्पू पर लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग 1 लीटर पानी में इस शैम्पू का एक ढक्कन मिलाना होता है, पर हम इससे थोड़ा सा ज्यादा शैम्पू यूज करेंगे और अपने सॉल्यूशन में आधा ढक्कन शैम्पू एक्स्ट्रा मिलाएंगे। मतलब कि अगर आप 1 लीटर पानी यूज करते हैं तो आप 1.5 ढक्कन शैम्पू मिलाएंगे उसमें, और जैसा कि हम यहाँ पर 1.5 लीटर पानी का यूज कर रहे हैं तो हम 2 ढक्कन शैम्पू इसमें मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमारा इजी डीआईवाई फोम स्प्रेयर तैयार है, और जो हमने इसमें पानी और शैम्पू का जो सॉल्यूशन बनाया है उसको थोड़ा शेक करके मिला लेते हैं, और जल्दी से टेस्ट करके देखते हैं ये कैसा काम करता है। इस स्प्रेयर पर एक बटन बना है जिसको आप दबाकर आगे की तरफ लॉक कर सकते हैं, और इसको हैंड्स फ्री तरीके से भी यूज कर सकते हैं। फिर आपको केवल पंपिंग करने की जरूरत होती है और आपको बटन दबाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर हमें स्प्रेयर को तब तक पंप करना है जब तक कि हमें इसके हैंडल को प्रेस करने में काफी प्रेशर फील ना होने लगे, और अब हम चेक करके देखते हैं कि ये कैसा काम करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, जो हमारा फोम स्प्रेयर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और हमें इससे बढ़िया एक मीडियम कंसिस्टेंसी का फोम मिल रहा है। शुरुआत के कुछ सेकंड तक इसमें से थोड़ा सा पतला फोम निकलता है, लेकिन बाद में इसका जो फोम डेंसिटी है वो अच्छी हो जाती है, और जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम शेविंग क्रीम की तरह फोम इसमें से बाहर निकलने लगता है। अगर आपको एक बार में अच्छे रिजल्ट इससे नहीं मिलते हैं तो जो मॉडिफिकेशन हमने इसमें किए हैं उसको आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ट्वीक करके अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। गाइस, मैं जल्द ही आपके लिए एक फुल कार वॉश पर वीडियो लेकर आने वाला हूं, और उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप बड़े इजीली घर पर ही अपने कार को सुपर क्लीन कर सकते हैं। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं आज के गिव अवे की। तो मैं इस तरीके के 2 गार्डन स्प्रेयर्स को गिव अवे कर रहा हूं। अगर आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको करना बस इतना है कि इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, और आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लेंगे। इस गिव अवे का रिजल्ट भी आपको 1 हफ्ते बाद मेरे इंस्टाग्राम पेज पर ही मिल जाएगा। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग कार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड and like safe.